फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए आवश्यक मटेरियल है, देखिए वाटर है, ये आपका कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड, जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया हम लोग जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एथिलीन गैस बनता है और भारी मात्रा में ऊष्मा को प्रोड्यूस करता है। इसका उपयोग हम लोग फल पकाने में भी करते हैं, इसलिए इसको हम लोग फ्रूट राइपिंग हार्मोन्स भी कहते हैं, गैस भी कहते हैं। तो चलिए हम अब कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में डालते हैं। कैल्शियम कार्बाइड को हम वाटर में डाल रहे हैं, आप देखिए कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में हम डाल रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। बोलो। हाँ, देखिए कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से कैसे हो रही है, थोड़ा सा और वेट करने देंगे आपको, देखिएगा और तीव्र गति से होगी। इसलिए यही कारण है कि फल 24 घंटे के अंदर पक जाते हैं। थोड़ा सा और वेट कीजिए। कार्बाइड की अभिक्रिया जल से कैसे हो रही है, लग रहा है कि उफान, सुनामी की तरह उफान उड़ने वाला है। देखिए फिर आपको दिखाएंगे कुछ देर के बाद हम। ये कैल्शियम कार्बाइड और पानी का फाइनली पोजिशंस है और इसमें एथिलीन गैस जनरेट हो रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस पेंदी में आपका बैठ जाएगा और यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यही फल को पकाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।